यस। तो बेटा हम वीडियो फर्स्ट में आपको क्वेश्चन 1 to 5 तक डिस्कस कर लिए थे कि स्नेक यूजेज इट्स टंग। हम जानते हैं कि उसका जो काला लंबा सर्कल स्ट्रक्चर पिछली क्लास में आप देख रहे थे कि उसका टंग जो होता है वो उसको बहुत उसका सेंसिटिव सेंस ऑर्गेन है, उससे वो स्मेल टेस्ट करता है। तो दैट मीन्स कि आंसर इज टंग। यस। एंड क्वेश्चन नंबर 6, आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय गैप नर्व। आई इज कनेक्टेड, जुड़ा होता है बाय ब्रेन टू द गैप नर्व। हमारा आंख ब्रेन से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है, और वो जुड़ा होता है नर्व के थ्रू, आप जानते हो। और उस पर्टिकुलर नर्व को हम क्या कहते हैं? प्लीज थिंक इट, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट ऑप्टिक नर्व? यस, राइट आंसर इज ऑप्टिक नर्व। यस, तो आई इज कनेक्टेड टू ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। यस, तो हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा लगभग क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। बाय द वे, कहीं अगर आपको परेशानी हुई होगी तो आप वीडियो को अच्छी तरह से बार बार देखिएगा, समझिएगा, और अगले जो आपको होम असाइनमेंट के रूप में देंगे वहां आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यस, चलो अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होता है जो मैच देम के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ बेटा बहुत सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जितने भी हम लोग काइंड्स ऑफ ज्वाइंट पढ़े थे, मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए, और बहुत मजा आएगा। मजा के साथ कि एक्सरसाइज ऑलरेडी हम बच्चों को क्या करता है कि हमारा, हम जो पढ़े क्या हम पूरी तरह से उस पर कमांड कर पाए? अगर पूरी तरह से कमांड कर पाए तो दैट मीन कि आपका आंसर पूरी तरह से यस होगा, दैट मीन 100% राइट होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो दैट मीन कि आप उस टॉपिक पर पीछे हो, दैट मीन्स कि उस टॉपिक को, उस बात को आपको और ज्यादा ध्यान देने का, पढ़ने की जरूरत है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है बी, मैच देम। मैच देम जैसा कि आप बनाते हो उसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो सामने होगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन बोल रही हूँ और आप आंसर देने के लिए आपको इसमें सेकंड में तुम आंसर सोच लोगे। यस, तो फर्स्ट इज एल्बो। एल्बो इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ज्वाइंट? एल्बो। Yes, kinds of joint you have already know about this very well. Yes, I think your answer is hinge joint. Yes, ankle is the example of hinge joint, means it open only one direction. Yes, and second is wrist. Wrist, here it is an example of, please think it. Yes, please. Wrist, kalai. Yes, please look carefully and think well. I think your answer is ready. Yes, wrist is the example of gliding joint. Wrist is the example of gliding joint. Yes, and third is hip. Yes, we know that shoulder and hip both are the examples of, yes, please, shoulder. आपका बेटा इससे देखो कि आपका टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है। यस, तो shoulder बहुत इंटरेस्टिंग हमारा है ये टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, बॉल लाइक स्ट्रक्चर।
One bone end with ball like structure and another is straight and that fit to one another. That is called ball and socket joint. Yes, I think your answer is also right. Yes. So hip and shoulder both are the examples of ball and socket joint. Yes. And next is femur. 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 ये क्या है बेटा? जान रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये जीके का क्वेश्चन भी आ सकता है. फेमर, दैट मींस, फेमर मींस जिसकी आकार, दैट मींस लॉन्गेस्ट. तो फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड थाई बोन. अगर कहीं आपसे कोई आंसर में पूछ दे कि फेमर इज ऑल्सो नोन एज थाई बोन, तो येस, फेमर इज ऑल्सो नोन एज थाई बोन. इज इट क्लियर? यस, आप समझ गए होंगे, आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए. अगर बच्चे आप काइंड ऑफ ज्वाइंट को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, आप वीडियो देखे हैं, लेक्चर सुने होंगे, आप पीडीएफ नोट्स दिया गया है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे, आप देखे होंगे, तो आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए. आप आंसर मेरे क्वेश्चन को खत्म होने से पहले तुम्हारा आंसर रेडी होगा. अगर बाय द वे जिस बच्चे का आंसर रेडी नहीं होगा, दैट मीन कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए मेरे इस वीडियो लेक्चर से, वीडियो से आप जरूर अपने आप को इम्प्रूव करो कि जो टॉपिक हमारा अगर पीछे है, जिस पर हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उस टॉपिक को आप सेल्फ स्टडी कीजिए. मैं बार बार हर वीडियो में एक बात आपसे दोहराती हूं कि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से नॉर्मल वे में पढ़ो. पढ़ोगे, जानोगे, मजा आएगा. आगे की बात बहुत कम देर में समझ जाओगे. पढ़ोगे नहीं तो लाख कोई फायदा नहीं होगा. तो शायद मुझे लगता है कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे. एंड नेक्स्ट इज स्कल. नेक्स्ट इज स्कल. स्कल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम. यस. और ये कितने बोन से बने होते हैं बेटा? यस, प्लीज थिंक इट. सोच लिए होगे? मैं ऑप्शन दूं, आपका आंसर सही होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूं. सिक्स बोन्स और एट बोन्स. यस, ऑप्शन. यस प्लीज, आई थिंक यू हैव चूज इट. यस, एंड योर आंसर इज ऑप्शन सेकेंड. तो आवर स्कल मेड अप ऑफ एट फ्लैट बोन्स. हम लोग का स्कल जो बना होता है, मेड अप होता है, वो एट फ्लैट बोन से बना होता है और उसके अंदर क्या होता है? ब्रेन. यस, आप जान रहे हैं. वेरी गुड, थैंक यू. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी एमसीक्यू. एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपके पास तीन से चार ऑप्शन, यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है. आंसर एक जो उसका ऑप्शन होगा वो सही होगा, राइट होगा. और मैं आपको चार ऑप्शन बोलूंगी, आप जल्दी से झट से अपने मन में, क्यों? क्योंकि मैं आपके पास नहीं हूं, लेकिन आप सपोज करना कि मैं मेरे सामने है. ठीक. और जस्ट मैं भी, मेरे सामने तुम नहीं हो, लेकिन जस्ट मैं इमेजिन करती हूँ कि बच्चा हमारे सामने है और जस्ट मुझे जिस तरह से पूछना बच्चों को चाहिए उस तरह से हम पूछ रहे हैं. तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा बच्चा भी इसी तरह से मुझे ट्रीट करेगा. तो जस्ट तुम समझना कि मैम मेरे सामने है और मुझे आंसर देना है. ट्राई करना, मजा आएगा. अगर
बाय दी वे गलती हो कोई बात नहीं, गलती होने पर कोई दुखी भी नहीं होना है, बस हमें उस पर कोशिश करनी है, उस पर ट्राई करनी है। ट्राई करोगे तुम बेस्ट करोगे, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छा करेगा। यस, तो नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर सी एंड दिस इज द टाइप ऑफ एमसीक्यू। तो हियर फोर ऑप्शन आर गिवन बिलो एंड वन आंसर वन ऑप्शन इज राइट। यस प्लीज लिसन केयरफुली। द ज्वाइंट इन द शोल्डर, यस प्लीज, द ज्वाइंट इन शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन फर्स्ट ए हिंज ज्वाइंट, बी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सी पिवट ज्वाइंट एंड डी ग्लाइडिंग ज्वाइंट। यस शोल्डर, योर शोल्डर किस टाइप का ज्वाइंट होता है आपके शोल्डर में, जस्ट मैं जस्ट पिछली क्वेश्चन में डिस्कस की थी, आप सब बच्चे को पूरी तरह से याद होगा। बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर तो ये होता है किसमें, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सोल्जर में कौन सा बोन का ज्वाइंट होता है, कौन सा टाइप होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मींस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आप सब बच्चों का आंसर सही होगा मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी बेटा मैं आपको एक बार बस बता दे रही हूं। यस क्वेश्चन नंबर टू, प्लीज लिसन। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स इज नोन एज द, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम का बोन जो है वो बना होता है जो प्रोटेक्ट करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेन को, हार्ट और लंग्स को, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन वन इज स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड इज स्कल, थर्ड इज रिब केज एंड फोर्थ इज पिवट ज्वाइंट। रिब केज, यस, हार्ट एंड लंग्स। मुझे लगता है कि मेरे से पहले आपका आंसर रेडी होगा, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। तो रीब केज, रीब केज इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स, यस। स्कल करता है ब्रेन को, बैकबोन करता है स्पाइनल कॉर्ड को, और रीब केज करता है हार्ट एंड बोन, यस। तो योर आंसर इज रीब केज। एंड थर्ड इज Light enters the eyes. Yes, light enters the eyes through the. अब हमारे आंख में जो light enter करता है, अंदर जाता है किसके through? Yes, हमारे आंख में inner view of eyes आप पढ़ चुके हैं, तो हमारा कौन सा इसमें part है जो हमको light को enter कराने में मदद करता है? तो Here are four options and one option is its answer. First is pupil, second is cornea, third is retina and fourth is iris. Please think it. Answer आप सोच लिए होंगे, ready हो गए। बच्चे हमारे बहुत तेज हैं, बहुत स्मार्ट है, जब आप तुरंत देता है तो आई थिंक योर आंसर इज ए पुपिल। पुपिल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईज एंड इट हेल्प्स टू इंटर द लाइट इनटू आईज, यस, ये हमारे आंख में रोशनी को इंटर करने में मदद करता है, यस। एंड नेक्स्ट इज The part of ear, yes, we know that ear have three parts. Visible part is known as outer ear, yes. Question पढ़ने के साथ साथ हम कहीं और भी चले जाते हैं टॉपिक पर, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप भी टॉपिक पर जाना और बहुत सहूलियत होगी आपको क्वेश्चन बनाने में, समझने में, आंसर क्विक दोगे, yes. तो हम क्वेश्चन मेरा है कि द पार्ट ऑफ द ईयर, तो तीन पार्ट होता है जानते हो, वन इज विजिबल दैट इज कॉल्ड ईयर, एंड सेकेंड इज
मिडिल ईयर, जिसको हम लोग देखते नहीं है, ये इनर है, एंड थर्ड इज इनर, मिडिल एंड इनर। तो यहाँ कर रहा है कि द पार्ट ऑफ द ईयर विच हेल्प्स जो मदद करता है मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। यस, आई थिंक यू हैव लिसन द क्वेश्चन, आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। यस, द पार्ट ऑफ द ईयर, द पार्ट ऑफ ईयर विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। यस, तो वी हैव डिस्कस अबाउट इट। ईयर हैज थ्री पार्ट्स, वन इज आउटर, सेकेंड इज मिडिल एंड थर्ड इज इनर। तो हियर ऑप्शन इज एक्सटर्नल, फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर, इज इट ट्रू? सेकेंड इज ईयर ड्रम, इज इट ट्रू? थर्ड इज मिडिल ईयर, इज इट ट्रू? एंड फोर्थ इज इनर ईयर, फोर्थ इज इनर ईयर। यस, योर आंसर इज, योर आंसर इज यस, योर आंसर इज ऑप्शन डी, इनर ईयर। इनर ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईयर एंड व्हिच हेल्प अस टू मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारा विजिबल पार्ट है। और इसके बाद आवाज जाती है मिडिल ईयर में, और मिडिल ईयर भेजता है किसको? इनर ईयर को। और ये हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन जो होता है, बैलेंस करने में वो मदद करता है। यस, तो आंसर इज इनर ईयर। तो बेटा, हमारा आज का सेशन जो था उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ये तीन अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको होम असाइनमेंट के रूप में अच्छी तरह से क्वेश्चन को लिखकर आंसर आप सोचेंगे, समझेंगे। जब आपको आंसर समझ में अगर बाय द वे कहीं नहीं आए, तब आप वीडियो लेक्चर की भी मदद को देखेंगे और फिर नोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे को इस टॉपिक में, माय बॉडी में, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी होगी तो मैं एक बात आपसे और शेयर कर दूं कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो बाद में क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको परेशानी आ सकती है। तो मैं उन बच्चों से कहूंगी कि आप अपने दोस्तों से जो पीछे का मटेरियल है, वो मटेरियल आप उनसे शेयर कीजिए। और मैं उन बच्चों से भी कह रही हूँ जो बच्चा फर्स्ट डे से क्लास को ज्वाइन कर रहा है, वो बच्चे अगर आपके आस पड़ोस में या आपके दोस्त जो जिसका पढ़ाई छूट गया है, पीछे रह गया है, तो आप बेटा आप उसको कोऑपरेट करोगे कि उस वो भी हमारे साथ चल सके। अगर उसकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मैं उसे मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और हम शिक्षक ही नहीं, सिर्फ बच्चा भी एक दूसरे को कोऑपरेट करना जाने, ये बहुत अच्छी चीज है। हमें कोऑपरेट करना चाहिए, ये हमारे लाइफ का, ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तुम अगर कोऑपरेट करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, ये आपके लिए भी, आपके दोस्त के लिए भी। तो दोस्त को तो डायरेक्ट फायदा मिलेगा, लेकिन बेटा आपको भी फायदा मिलेगा, आपका ऑटोमेटिक रिवीजन होगा जब तुम उसको शेयर करके समझाओगे बाय द विद द हेल्प ऑफ फोन, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो। तो हो सकता है कि उसको समझाने के क्रम में आप जितना पढ़े थे, हो सकता है कि उसे थोड़ा सा बेस्ट तुम दोगे। तो दैट मीन्स कि तुम अपने दोस्त का भी मदद कर दिए और साथ साथ तुम्हारा रिवीजन भी हो गया। तो मुझे लगता है कि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, घर पर मजे से रहे। यस बेटा, तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा, एक बात जो हम कर रहे थे कि हमारे बच्चे अगर जिनका
ज्वाइनिंग इस ग्रुप में लेट से हुआ है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, हम शिक्षक हमारे डीएवीएन बच्चे एक दूसरे को मदद करेंगे। और बेटा यूट्यूब चैनल पर मेरा जितना बहुत सारा इस टॉपिक से रिलेटेड कई वीडियो अपलोड है, मेरा जो लिंक है उस लिंक को आप शेयर करना, और उस लिंक पर जाओगे तो इस चैप्टर से माय बॉडी से आपको कई वीडियो मिलेंगे जो आपको इस लेसन को पढ़ने में समझने में मदद करेगा। वीडियो अगर बेटा अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मजा करना, खुश रहना। तब तक के लिए बाय।